तो दोस्तों आज है हम श्री जटाशंकर टेम्पल दर्शन करने जा रहे हैं। और बस चलिए फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारे शंकर जी के मंदिर भी दिखाई देंगे छोटे छोटे। और तो चलिए चलते हैं फिर आगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में हमें एक मंदिर मिलता है जहाँ पे राम सेतु जो पुल है, रामायण समय में भगवान राम जिस पुल पे चलकर लंका गए थे और सीता माँ को बचाकर लाए थे, ये इस मंदिर में उसी पत्थरों को रखा गया है। राम सेतु पुल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उन्हीं पत्थरों को यहाँ पे रखा गया है। तो आप यहाँ पे आकर उन पत्थरों को हाथ से छूकर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर के अंदर आपको छोटे छोटे खरगोश भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पत्थरों को रखा गया है लोगों को देखने के लिए, तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं अंदर पत्थर और उसे हाथों से छू भी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको खरगोश भी मिलेंगे। देखिए कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, कितना सुंदर लग रहा है। तो मिष्टी भी खरगोशों को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, एक्साइटेड थी बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम आगे की यात्रा को अब शुरू करते हैं। देखिए और ये देखिए यहाँ पे आपको फिर एक भगवान शिव की एक मूर्ति दिखेगी। ये देखिए श्री ब्रह्म रूपम नीलवर्णम, क्योंकि इनका रंग नीला है इसे इसलिए इन्हें नीलवर्णम भी कहा गया। और ये यहाँ पे मिष्टी बहुत ही एक्साइटेड थी। चले फिर से चलते हैं। और रास्ते में चलते चलते हमें आसपास बहुत सारे पहाड़ी और सुंदर सुंदर पेड़ और पौधे दिखेंगे, क्योंकि ये पहाड़ में स्थित है और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए आपको चारों पहाड़ ज़रूर दिखाई देंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारी औषधियों की दुकानें भी दिखेंगी। ये देखिए प्याज, ये प्याज बहुत ही बड़ा प्याज है, इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, ना कि खाने के रूप में। यहाँ के लोग इन्हें औषधि में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे औषधि की दुकान में दिख जाएंगी। और अब हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री जटाशंकर जी के टेम्पल के इंटीरियर में, मेन पॉइंट में। अभी यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़ के सॉरी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होगा। तो एक्चुअली अब आप सोचेंगे कि यहाँ श्री जटाशंकर नाम क्यों पड़ा, तो ऐसी मान्यता है हमारी कथाओं में, कथा के अनुसार, कि भस्मासुर नाम का जो राक्षस था उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो उसने क्या किया था, उसने अपने वरदान का उपयोग प्रयोग जो था भगवान शिव पर ही कर दिया था। तो भगवान शिव ने उससे बचने के लिए यहाँ पे शरण ली थी, मतलब यहाँ पे एक तरह से वो छुपे हुए थे और उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग कर दिया था यहाँ पे। तो इसलिए इस गुफा को श्री जटाशंकर की जी की गुफा भी कहते हैं। फिर और श्री जटाशंकर जो भगवान शिव हैं वो उनका निवास स्थान भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो रहे थे भस्मासुर से बचने के लिए, और उन्होंने अपनी जटाओं को खोल रखा था। तो यहाँ पे आपको एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग भी दिखाई देगा, इसके साथ ही एक जलकुंड भी दिखाई देगा जो भगवान श्री जटाशंकर जी के जो शिवलिंग है उसके जस्ट थोड़ा पास ही है। तो अभी हम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ चुके हैं और हमारे सामने जस्ट श्री जटाशंकर जी की केव है, गुफा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे काफ़ी अंधेरा होगा, ये जस्ट सामने उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से उतर कर हम नीचे जाएंगे, पर उससे पहले सबसे पहले गणेश जी की यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है उसकी पूजा कर ले। उसके बाद हम श्री गणेश जी की पूजा के बाद नीचे चल दे, क्योंकि मिष्टी तो यहीं पे पूजा में ही बिजी हो गई थी। तो पूजा के बाद हम लोग नीचे चलेंगे। जैसा कि सब लोग कहते हैं गणेश जी की प्रथम पूज्य हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो बस यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। और गणेश जी की पूजा करने बाद हम लोग नीचे जाने वाले हैं, पर बच्चों की पूजा भी ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी और यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे आप त्रिशूल देख रहे हैं, त्रिशूल वगैरह, और देख रहे हो कि नीचे काफ़ी अंधेरा है। और जहाँ पे यहाँ पे आपको काफ़ी छोटे छोटे भी शिवलिंग दिखाई देंगे,
और जो काफ़ी अंधेरा का, जहाँ पे आपको लाइट दिख रही, लाइट हल्का सा रोशनी दिख रही होगी, वहाँ पे भगवान शिव का एक शिवलिंग है और उसके आसपास छोटी छोटी चट्टानें ऐसे हैं, मतलब इस तरह से रखी हुई हैं, ऐसे बनी हुई, जैसे लगता है कि वो भगवान शंकर की जटाएं ही हैं छोटे छोटे। और यहाँ पे उसके पीछे से हल्का हल्का पानी रिसता रहता है, मतलब जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है वहाँ पे आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। और जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था, एक लाइट हल्की रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग हैं। और छोटे छोटे शिवलिंग जैसे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बने हुए आपको दिखाई देंगे। और जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये इसे ये बाहर से देखने पर छत्र जैसे लगता है, मतलब शेष नाग जी की जैसे लगता है, मान ऐसे लगता है कि भगवान शिव नीचे हैं और भगवान शिव के ऊपर शेष नाग का छत्र बना हुआ है। देखिए, चलिए पास से देखने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोगों को भी दिख सके, पर वहाँ पे इतना अंधेरा रहता है कि रोशनी नहीं रहती। कि ये देखिए, ये प्राकृतिक रूप से बना एक शिवलिंग भी अभी आपको दिखाया गया था। और इस शिवलिंग के साइड, मतलब चक्कर लगा के, मतलब शिवलिंग के साइड से होकर हम लोग उनका परिक्रमा पूरा करेंगे और बाहर की ओर निकलेंगे। जैसे आप बाहर की ओर निकलेंगे तो आपको ये देखिए छोटे छोटे पिंड दिखाई दे, छोटे छोटे जो पत्थर शिवलिंग भगवान शिव की जटाओं की तरह दिखाई देते हैं। और ये रहा जलकुंड, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पे बना हुआ है। और अभी आप पीछे ये जो त्रिशूल देख रहे थे ना, वो जो ये त्रिशूल जो दिख रहा था, इसमें आपको भगवान शिव की पूरी परिवार सहित दिखाई देंगे, इसलिए वो बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। और अभी हम लोग आ गए हैं प्रियदर्शनी जी, हाँ प्रियदर्शनी। देखिए, आपको हरे भरे, आपको हरे भरे सब जगह पेड़ पौधे दिखाई देंगे और बहुत ही सुंदर है दृश्य देखने में। तो आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक आप इस व्यू को एंजॉय करिए और मेरे आगे के भी व्लॉग्स ऐसे ही देखते रहिए। तो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। देखिए कितना हरा भरा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बारिश के मौसम में तो और भी हरा भरा हो जाता है ये। अभी तो हम लोग गर्मी में गए थे तो इतना सुंदर था। देखिए, अगर आप बारिश के मौसम में या ठंड में आएंगे तो और भी हरा भरा देखने को मिलेगा आपका। तो एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करिए पचमढ़ी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिले, चारों तरफ से आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर हरा भरा पेड़ पौधे, अगर आपको हरियाली पसंद है, आपको हिल स्टेशन पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, तो आपको यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।